हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है राजभाषा। तो राजभाषा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में तकरीबन हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, और खास करके जो रेलवे के एग्जाम में है, डिपार्टमेंटल एग्जाम है, उसमें 10% राजभाषा से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए रेलवे यूजर के लिए खास करके मैं कहना चाहता हूं कि वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखते ही आपको राजभाषा के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो आज मैं राजभाषा का पहला पार्ट बताने जा रहा हूं, जिसमें राजभाषा की सबसे पहले परिभाषा। तो राजभाषा की परिभाषा क्या है? किसी भी देश के प्रशासन का कामकाज और सरकार का लोगों से तालमेल बनाए रखने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, जो कि संविधान लागू होने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन और है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो कुछ लोग कहते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन ये आंसर गलत है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो संपूर्ण देश में बोली जाती है, लोग संपूर्ण देश में आपस में बातचीत, आपस में व्यापार जिस भाषा में करते हैं, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा देश है, हर राज्य की अपनी अलग राज्य भाषा है, और साउथ में ज्यादातर लोग अपनी राज्य भाषा के साथ इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं और हिंदी का बिल्कुल नहीं करते। इसीलिए हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। तो संविधान के अनुसार भाग 17 में आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है कि हिंदी भारत देश की राजभाषा होगी। एक सवाल यह भी पैदा होता है कि सरकार का ज्यादातर काम इंग्लिश में ही किया जाता है, क्यों? जबकि हमारे देश की राज्यभाषा हिंदी है। संविधान के भाग 17 के आर्टिकल 343/2 के अनुसार इंग्लिश को आने वाले 15 सालों में यानी संविधान लागू होने के 15 साल बाद तक उन कामकाजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिन कामकाजों के लिए आजादी से पहले सरकार द्वारा किया जाता था। तो इसीलिए इंग्लिश को आज भी सरकारी कामकाजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सिर्फ पूरे स्टेट के सहमति से ही इंग्लिश को खत्म किया जा सकेगा। तो आज तक सारी स्टेट इस टॉपिक
के लिए सहमत नहीं हुई। तो भारतीय संविधान में राजभाषा के बारे में कहां कहां पर लिखा गया है? भारतीय संविधान में राजभाषा के बारे में भाग 3 में लिखा हुआ है, भाग 5 में लिखा गया है और भाग 6 में है और भाग 17 में राजभाषा के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा अनुसूची अनुसूची 8 में दर्ज है। तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। अनुसूची 8 में कितनी भाषा है? 22 भाषा। इसके अलावा अनुसूची 8 में राज्य भाषा के बारे में दर्शाया गया है। अनुसूची 8 में 22 राजभाषा है। तो संविधान जब लागू हुआ था उस समय केवल 14 राज्य भाषा थी। तो आज मैं जिस तरीके से आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप ऐसे अगर इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेंगे तो आज के बाद आपको राजभाषा कभी नहीं भूलेगी। तो आज मैं आपको 22 राजभाषाओं के बारे में बताने जा रहा हूं कि इनको कैसे याद रखना है। याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका है, आज के बाद आप राजभाषाओं को कभी नहीं भूल पाओगे। तो ये क्या तरीका है? सबसे पहले आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए बड़े आराम से और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है और जो मैं शब्द बोलूंगा उन शब्दों को अपनी इमेजिनेशन में लेके आना है, इमेजिन करना है। तो सबसे पहले आप इमेजिन करिए आसमान, आसमान बहुत बड़ा आसमान है, आसमान, आसमान को एक आसमान जो शब्द है इसको असमिया से लिंक करना है, असमिया, आसमान असमिया। तो आसमान से क्या आप देख रहे हैं कि एक गज नीचे गिर रहा है, गज, गज यानी हाथी, गज नीचे गिर रहा है, गज को आपने लिंक करना है गुजराती से। तो आसमान से गज नीचे गिरता है तो लोग देखते हैं कि उसके गले में हांडी बंधी हुई है, हांडी, हांडी यानी हिंदी। तो जो उसके गले में हांडी बंधी हुई है, हांडी यानी हिंदी, तो लोगों ने देखा उसके एक कान में कान, कान यानी कन्नड़, कान को आपने लिंक करना है कन्नड़, गज के जो बड़े बड़े कान है, कान, कान मीन्स कन्नड़। तो एक कान में उन्होंने क्या देखा, एक कान में उसकी बैंगल्स लटकी हुई है, बैंगल्स, बैंगल्स यानी बंगाली, बैंगल से आपने क्या करना है बंगाली को लिंक करना है। एक कान में बैंगल्स लटकी हुई है यानी कि बंगाली और दूसरे कान में क्या है, दूसरे कान में कश्मीरी कांटे, कश्मीरी कांटे क्या है, कश्मीरी कांटे। तो यहां कश्मीरी से आपको कश्मीरी राजभाषा याद रखनी है। तो लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने देखा कि हाथी ने, तो लोगों को देखकर हाथी घबरा गया, गज घबरा गया और उसने मल त्याग दिया, मल, मल यानी मलयालम, हाथी ने क्या किया, मल त्याग दिया, मल यानी मलयालम। लोगों को बहुत गुस्सा आया,
लोगों ने हाथी को मारा। मारा मारा मीन्स मराठी, मारा से आपने याद रखना है मराठी। लोगों ने क्या किया, हाथी को मारा। मारा मीन्स मराठी। जैसे ही लोगों ने हाथी को मारा, हाथी हवा में उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। आप देखिए उड़ता हुआ देखिए, उड़ गया, उड़ गया मीन्स उड़िया। हाथी हवा में उड़ गया, उड़िया से मतलब उड़िया। तो जैसे ही हवा में हाथी उड़ रहा था, हाथी को पक्षी ने पंजा मारा, पंजा यानी पंजाबी, तो हाथी की सांस फूलने लगी, सांस सांस फूलने लगी। क्या क्या फूलने लगी, सांस, सांस पे आपने कंसंट्रेट करना है। सांस फूलने लगी, सांस को किससे लिंक करना है, संस्कृत से, सांस संस्कृत। हाथी की क्या फूलने लगी, सांस, सांस किससे लिंक करना है, संस्कृत। तो जैसे ही हाथी नीचे गिरा, लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने देखा कि ये अब मर जाएगा, इसका इलाज करना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से फोन किया और एक तमिल डॉक्टर को बुलाया। किसको बुलाया, तमिल डॉक्टर को, तमिल, तमिल यानी यहां पे राजभाषा आ गई तमिल, तमिल डॉक्टर को बुलाया। तो तमिल डॉक्टर ने आके देखा, उसने कहा फटाफट आप तेल लेके आओ, तेल। डॉक्टर ने क्या कहा, क्या लाने के लिए कहा, तेल, तेल से यानी तेलुगु, तेलुगु। तो और क्या लाने को कहा, उड़द की दाल, उड़द की दाल। क्या लाने को कहा, उड़द की दाल, उड़द से उर्दू। डॉक्टर ने क्या क्या मंगाया, एक तो तेल मंगवाया, तेल, तेलुगु, उड़द की दाल, उड़द की दाल क्या है, उर्दू, और थोड़ा सा सिंदूर। और क्या मंगवाया, थोड़ा सा सिंदूर, सिंदूर, सिंदूर से यानी सिंधी। और उसके बाद और क्या मंगवाया, नमक, नमक, ये चीजें मंगवाई। तो नमक से क्या हम लेंगे, नेपाली, न नेपाली, म मणिपुरी, क कोंकणी, ये याद रखना है नमक से। नमक से तीन याद रखने हैं नाम, न नेपाली, म मणिपुरी, क कोंकणी। तो जैसे ही हाथी को होश आया, उसने बोला यहां के लोग बड़े बोडमाश हैं, बोडमाश, बोड में, बोडमाश मीन बी से बोडो, डी से डोगरी, मा से मैथिली, सा से संथाली। तो ये 22 भाषाएं होगी, ये आपने याद रखनी है, जिसको इमेजिनेशन से ही याद करना है। एक बार दो बार आप इमेजिनेशन से रिपीट कर लेंगे तो आपको ये सारी की सारी भाषाएं पूरी की पूरी याद हो जाएंगी। जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत की कितनी राजभाषा थी, उस समय भारत की राजभाषा थी 14। उसके बाद एक भाषा और जोड़ी गई, वो कब जोड़ी गई, ये अमेंडमेंट, अमेंडमेंट एक्ट 21 के अनुसार 1967 में जोड़ी गई। उसके बाद तीन भाषा और ऐड की गई, तो ये अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, अमेंडमेंट एक्ट
71। तो ईयर कौन सा था? 1992। चार भाषा और जोड़ी गई, वो कब जोड़ी गई? अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 92 के अगेंस्ट 2003 में। पंद्रहवीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। पंद्रहवीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। कब जोड़ी गई थी? 1960 में। एक्ट कौन सा था? 21, अमेंडमेंट एक्ट 21 के अधीन 1960 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद तीन भाषाएं और जोड़ी गई, वो तीन भाषाएं कब जोड़ी गई? 1992 में। किस एक्ट के अधीन? अमेंडमेंट एक्ट 71 के अधीन जोड़ी गई। तो कौन कौन सी भाषा थी उनको याद रखना है आपने। नमक से, नमक कैसे याद रखेंगे? नमक से, नमक ना से क्या है? नेपाली। ना से क्या है? नेपाली। मां से क्या है? मणिपुरी, मणिपुरी। का से क्या है? कोंकणी। तो ये तीन भाषाएं जोड़ेगी, कब जोड़ेगी? 1992 में। अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? अमेंडमेंट एक्ट 71। तो उसके बाद चार भाषाएं और जोड़ेगी, वो चार भाषाएं कब जोड़ेगी? 2003 में। और अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? अमेंडमेंट एक्ट 92। तो चार भाषाएं कौन सी थी उसका एक सिंपल सा ट्रिक है, वो आपने याद रखना है। बोर्ड मास, बोर्ड मास। बोर्ड मास, बोर्ड मास से बो से क्या आता है? बोडो। बो से क्या है? बोडो। और ड से क्या है? डोगरी। ड से क्या है? डोगरी। और मां से क्या है? मैथिली। और लास्ट में सा, सा से संथाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार भाषाएं जोड़ी गई और कब जोड़ी गई? 2003 में। किस एक्ट के अधीन जोड़ी गई? एक्ट 92 के अधीन में। तो कितनी टोटल भाषाएं होगी? 14 जब संविधान लागू हुआ था, उसके बाद एक जोड़ी गई 1960 में, फिर तीन जोड़ी गई 1992 में, और चार जोड़ी गई 2003 में। टोटल इस समय 22 राजभाषाएं हैं।